बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसन अकबर है और बाय प्रोफेशन मैं क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3-पॉइंट फॉर्मूला डिस्कस करूँगा, जिसको अडॉप्ट करके फिजियोथेरेपी फ्रेश ग्रेजुएट्स अपनी प्रैक्टिस को इन्हांस कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। पॉइंट नंबर 1 है, कन्वर्ट करें अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को इनटू द प्रैक्टिकल स्किल्स। आपने अपने एकेडमिक कैरियर के 5 सालों में जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज गेन किया है, पेशेंट की असेसमेंट और मैनेजमेंट के दौरान उसको करेक्टली एग्जीक्यूट करें, ताकि आपकी लर्निंग भी इंक्रीज हो और आपकी लर्निंग फ्रॉम थ्योरेटिकल वे इनटू द प्रैक्टिकल स्किल्स शिफ्ट हो जाए। नंबर 2, ऑलवेज गिव रिस्पेक्ट टू योर प्रोफेशन। जो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो सबसे पहले तो अपने काम को अहमियत दें, अपने प्रोफेशन को खुद अहमियत दें, अपने प्रोफेशन से प्यार करें। अगर हम खुद अपने प्रोफेशन को, अपने काम को अहमियत देंगे तो ऑटोमेटिकली अदर फील्ड्स के लोग भी आपके काम को देख के, आपके काम के रिजल्ट्स को देख के आपकी फील्ड को भी इज्जत देंगे और रिस्पेक्ट देंगे। नंबर 3, नेगेटिविटी को कम करें। नेगेटिविटी को कम करने से मुराद ये है कि अगर कभी भी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो पहले किसी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया होता है, तो आपने कभी भी पेशेंट के सामने अपने सीनियर या जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के रेलिवेंट कोई भी डेरोगेटरी रिमार्क्स, यानी कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिससे फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के रेलिवेंट कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आए या हमारे प्रोफेशन को वो बात लेट डाउन करे। तो उम्मीद है कि आप ये 3 चीज़ें अडॉप्ट करके एक प्रॉपर पॉजिटिव वे के अंदर अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बना सकते हैं।